राजस्थान के कई बड़े शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर, वहीं जयपुर के आज 2 बजे अल्टीमेटम दे दिया, शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो भी हड़ताल पर। जी हाँ, पूरे राज्य में मरीज और तीमारदार परेशान हैं। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज से संचालित होने वाले महाराष्ट्र अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल और उम्मेद अस्पताल में मरीजों की हालत खराब है, क्योंकि रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सीनियर डॉक्टर काम पर हैं तो सही, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। रेजिडेंट्स डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच सोमवार को मारपीट हुई थी, जिसमें कई घायल हुए थे। पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मारपीट के कई आरोपी अभी नहीं पकड़े गए हैं। जहां तक मरीजों का सवाल है, अस्पताल प्रशासन की वैकल्पिक व्यवस्था नाकाफी है। वैकल्पिक व्यवस्था हमारे मेडिकल ऑफिसर्स सारे मोर्चा संभालते हैं और सभी जगह डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चल रही है। अभी हम दूसरे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, यहाँ से डिस्चार्ज करवा रहे हैं। क्यों डिस्चार्ज करवा रहे हैं? क्योंकि कोई आया नहीं डॉक्टर। जोधपुर में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट का प्रभाव कोटा पर भी। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े 98 रेजिडेंट्स डॉक्टरों में से 43 सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। उन्होंने नोटिस देकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने सहित कई मांगे की है। हड़ताल से हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MBS, कोटा मेडिकल कॉलेज और JK भर्ती मरीजों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। बीकानेर और जयपुर, वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अभी स्ट्राइक में नहीं है, तो आपका जो ये निर्णय है एक तरह से सामूहिक अवकाश लेने का या हड़ताल पे जाने का, इसके ऊपर पुनर्विचार करें। जोधपुर की आंच अजमेर भी पहुंची है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीज परेशान है। हड़ताली डॉक्टरों का कहना है कि जब तक डॉक्टरों से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी और चालान पेश नहीं हो जाता, हड़ताल जारी रहेगा। डॉक्टरों की मांग है कि हर अस्पताल के आउटडोर में 4 पुलिसकर्मी तैनात हों और CCTV कैमरे लगाए जाएं। कैजुअल्टी के गेट पर 4 कांस्टेबल राउंड तक ड्यूटी करें, CCTV लगे और जो भी मारपीट हुई है उन लोगों के खिलाफ चालान पेश जब तक नहीं हो तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। हालत राजधानी में भी ठीक नहीं है। जयपुर सहित पूरे राज्य में रेडियोग्राफ सामूहिक अवकाश पर है। सरकार ने 1.5 महीने बीत जाने के बावजूद इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो गुस्साए रेडियोग्राफर्स 25 मई से अनिश्चितकालीन छुट्टी पर हैं। रेडियोग्राफर्स की मांग है कि उनके ग्रेड में सुधार किया जाए और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। इनके हड़ताल से निशुल्क जाँच योजना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। दिनों दिन सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो रही है। हमारे यहाँ पर कुछ असिस्टेंट रेडियोग्राफर्स हैं और वो जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन्होंने ज्वाइन किया है और उसी के तहत आज हमने MLC सर्विसेज शुरू करवा दी। जब राज्य में फ्री मेडिसिन स्कीम चल रही है, टेस्ट जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है, अन्य जो मेडिकल टेस्ट है उसके लिए स्कीम चल रही है और जनता उनसे काफी आशा भी रखती है और जनता उस कारण परेशान भी है कि रेडियोग्राफर्स अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में मेरा तो यही मानना है कि रेडियोग्राफर्स को इस चीज को समझना चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर मरीजों को भगवान भरोसे या मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? हड़ताली डॉक्टर्स और सरकार मरीजों और आम जनता पर ही बाजी खेलती है। आखिर क्यों नहीं इसका हल ढूंढा जा रहा है? सहारा न्यूज़।